समर्थन करेगी, जिन्होंने टोल लगाया वो ही समर्थन करेंगे। ये क्यों आएंगे इनके साथ, इन्होंने टोल लगाया यही आ जाएंगे। जो शेप कतर रहा है उसको ही कहेंगे कि वो राखी करेगा, पॉसिबल है ऐसी, इज नॉट पॉसिबल। अगर आने वाले बच्चों की अपनी खुशी को बना के संभाल के चलना है, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। बगैर मजबूत मिलत, बगैर जात बरादरी, हम सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। इसी वेरी क्लियर, बुनियादी तौर पे बदमाश हैं वो, जो NH की टीम है उनका दिमाग खराब है। 50 फैन का मतलब क्या है, किसका मतलब 50 फैन, और टोल 100% खत्म होना चाहिए। यहाँ हर तरफ करके छोड़ दी इन्होंने, शर्मों ने उनके पेरेंट्स की, उन्हीं उनकी वाइफ की, उनकी घरवालियों की, उनके बच्चों की क्या हालत हो रही है घर में, जो यहाँ इतने देर से बैठे हैं, शर्म नहीं आ रही। अगर वो लोग अकल होती तो जम्मू को बेनिफिट देते। बेनिफिट देने के बजाय मैं भी था, कोई टोल नहीं था, लगा छन्नी में लग रहा था, खत्म हो गया, बंद कर दिया, किसी पे केस नहीं बना। ये लड़कों पे केस बनाया ना, टोल तोड़ा ना कुछ किया, पता नहीं आने वाले जमाने में इनकी कौन सी तरीके भुगतेंगे। स्रो टोल प्लाजा को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत सभा के सदस्यों को समर्थन देने के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन द्वारा कठुआ से सांबा के स्रो टोल प्लाजा तक रैली निकालेगी। सूचना मिलने पर जिला पुलिस ने रैली को कठुआ में ही रोकने के लिए कालीबाड़ी और शेरपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, लेकिन पार्टी के संस्थापक चौधरी लाल सिंह अपने समर्थकों के साथ पुलिस को चकमा देते हुए नगरी से बॉर्डर रोड होते हुए सांबा पहुँच गए, जहाँ पहले से इंतजार कर रहे संगठन समर्थकों ने चौधरी लाल सिंह का स्वागत किया। इसके बाद चौधरी लाल सिंह समर्थकों सहित स्रो टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत सभा के सदस्यों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भूख हड़ताल से ये मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार यही चाहती है कि भूख हड़ताल में लोगों की जान चली जाए। उन्होंने कहा कि स्रो टोल प्लाजा हटवाना है और जम्मू को वापस राज्य का दर्जा दिलवाना है तो एकजुट होकर डोगरा समाज के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कई नए फरमान जनविरोधी होने का सबूत दिया है, लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा तभी जीत हासिल होगी। वाले फ्यूचर को ही ठीक बना सकता है, ठीक कर सकता है। अगर फ्यूचर संभालना है, बचाना है, अगर आने वाले बच्चों की अपनी उसी को बना के संभाल के चलना है, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। बगैर मजबूत मिलत, बगैर जात बरादरी, हम सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। इसी वेरी क्लियर, बुनियादी तौर पे बदमाश हैं वो, जो NH की टीम है उनका दिमाग खराब है। 50 फैन का मतलब क्या है, किसका मतलब 50 फैन, और टोल 100% खत्म होना चाहिए, 9% ये धोखे में मत रहें। अगर टोल खत्म होगा तो पूरा होगा, हमें परसेंटेज में लेनी। चोर साले किसके हाथ कर दी, ये आएंगे दिल्ली से, साइकिल पे बैठे हैं अभी तक, और 10 दिन हो गए इनको बैठे हुए, अभी तक साइकिल पे आ रहे हैं, ऊंट पे आ रहे हैं, हैं? जहाज की टिकटों के पैसे निकालते हो, आपको पहले दिन क्यों नहीं आए? और दूसरा नंबर, जो जहाँ NH बैठा हुआ है, व्हाट दे डूइंग, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द, जो यहाँ वाले NH की, सी वेरी क्लियर। इसके लिए ये एक नंबर के दल्ले यहाँ लोगों को बिठाएंगे, यहाँ मरने के लिए बच्चों को यहाँ हल खराब करके छोड़ दी इन्होंने, बेशर्मों ने उनके पेरेंट्स की, उन्हीं उनकी वाइफ की, उनकी घरवालियों की, उनके बच्चों की क्या हालत हो रही है घर में, जो यहाँ इतने देर से बैठे हैं, शर्म नहीं आ रही। वो बुनियादी तौर पर जम्मू के शेर चंद का रोल कर रहे हैं, इसलिए दिस इज वेरी क्लियर। अगर उन लोगों का मैं, अगर वो लोग अकल होती तो जम्मू को बेनिफिट देते। बेनिफिट देने के बजाय मैं भी था, कोई टोल नहीं था, लगा छन्नी में लग रहा था, खत्म हो गया, बंद कर दिया, किसी पे केस नहीं बना। ये लड़कों पे केस बनाया ना, टोल तोड़ा ना कुछ किया, पता नहीं आने वाले जमाने में इनकी कौन सी तरीके भुगतेंगे, कौन सा इनकी क्या क्या लिखा पड़ी हुई है, वी डोंट नो दैट। इसलिए ये पहली बार हुआ है कि लोगों के पीछे जो करंट पार्टी है, उनके मिनिस्टर हैं या MP हैं, वो उनके बैक के पीछे खड़े नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और उनका खड़ा होना जरूरी है। उन्होंने वोट लिए हैं और लोगों का अधिकार है कि लोग अपनी बात रखें और जिसे वोट लिए उसका उसका मसला हल करवाए। सुनने में आया है कि आपको रोकने का प्रयास किया गया है।
और सरकार का काम होता है, उनका काम है अपने तरीके से उनका रोकना, उनका सिस्टम है। डोगरा मुहम्मद संगठन किस तरह की लड़ाई लड़ेगा? डोगरा मुहम्मद संगठन किस तरह की लड़ाई लड़ेगा? डोगरा स्वाभिमान संगठन किस तरह, कोई किस तरह नहीं, सीधा इनके साथ है और सीधा टोल की एंट्री है। आज से नहीं, मैं तो 5 वर्षों से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और रही बात ये, यो बच्चों ने धरना दिया, बैठे हैं यहाँ, हम इनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, जहाँ भी चाहेंगे जिधर भी चलना हम इनके साथ चलेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। भाजपा क्यों इनके समर्थन करेगी? जिन्होंने टोल लगाया वो ही समर्थन करेंगे, ये क्यों आएंगे इनके साथ? इन्होंने टोल लगाया यही आ जाएंगे, जो जेब कतर रहा है उसको ही कहेंगे कि वो राखी करेगा। पॉसिबल है ऐसी? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कि ये लड़ाई सारे समाज की है, तो जिन्होंने बीजेपी में कोई कॉमन आदमी है, आम आदमी है, खास आदमी है, उन्होंने बीजेपी के साथ शादी की है क्या? नहीं, टूट दी के हैं, लाड़ी है क्या? इसलिए पार्टियाँ इसलिए होती हैं, अगर पार्टी ना सहयोग करे लोगों का तो लोगों को पीछे हट जाना चाहिए और मुखालफत करनी चाहिए डट के। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिकतम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुलडोजर मशीन करती है उसे आसान। बुलडोजर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुलडोजर मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं, बुल स्किड AV450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।